स्क्वायर यानी कि फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है ना, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड क्या हो इक्वल। ये देखिए स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड क्या हो इक्वल, चारों साइड इक्वल। ये स्क्वायर हमको इस कार्टेशियन प्लेन पे यानी इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज भी दी गई है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अबव वैल्यूज, ये जो वैल्यूज दी गई है एक्स और वाई की, फ्रॉम अबव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फ्रॉम अबव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी गेट पॉइंट्स, वी गेट पॉइंट्स आर। तो हमें देखिए यहां पे जो एक्स और वाई की वैल्यू दी गई, यहां से हम क्या करें, क्वाड्रेंट निकालेंगे यानी पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो इनसे हमें मिक्स करके पॉइंट बनाना है, पॉइंट बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए हम कौन कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, हम यहां ले सकते हैं दिस सिंपलाइज करके हम ले लेंगे फोर कॉमा, यहां देखिए फोर कॉमा फोर, एक्स की वैल्यू फोर, वाई की वैल्यू फोर, फोर कॉमा फोर, ठीक है, फोर कॉमा फोर। उसके बाद माइनस फोर कॉमा फोर, उसके बाद हम ले सकते हैं फोर कॉमा माइनस फोर, उसके बाद हम ले सकते हैं माइनस फोर कॉमा माइनस फोर। इन्हीं से एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग वैल्यू यूज करके हमें क्या करना है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे या कह सकते हैं ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिनसे की स्क्वायर बन जाए, जिनसे की स्क्वायर बन जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चला गया, इसलिए हम क्या करें, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ पेपर बनाते टाइम ये प्रॉब्लम करेगा, इधर बना ले रहे हैं, ठीक है। ये बना था यहाँ पे क्या है, फोर कॉमा माइनस फोर एंड लास्ट वाला क्या था, माइनस फोर कॉमा माइनस फोर, ये बनेगा, ठीक है, हम इधर हटा देंगे। चलिए अब यहाँ भी ये आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पॉइंट दिए गए हैं, मैंने ग्रीन को प्लॉट करेंगे, प्लॉट द अबव पॉइंट्स, प्लॉट द अबव पॉइंट्स, कहाँ पे प्लॉट करना, ऑन ग्राफ, ये आपके सामने ग्राफ बना है वहां पे, एंड ऑन ग्राफ एंड ज्वाइन देम। और उसके बाद क्या करेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को या उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एंड ज्वाइन देम, ठीक। चलिए क्या करते हैं, स्केल उठा लेते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला देखिए दिया गया है, सबसे पहला क्या है, फोर कॉमा फोर, फोर कॉमा फोर जाएंगे यानी एक्स की वैल्यू भी फोर, वाई की वैल्यू भी फोर, दोनों पॉजिटिव, तो एक्स वैल्यू फोर चलनी है तो कहाँ जाएंगे, यहाँ वाई की वैल्यू फोर तो ऊपर, ठीक है। चलिए एक्स वैल्यू फोर यहाँ आ गया, एक्स की वैल्यू फोर यहाँ पे आ गया, वाई की वैल्यू फोर कहाँ, यहाँ आती है, इसके सीधे जाएंगे, देखिए एक्स की वैल्यू फोर, फोर कॉमा फोर दिखाना आपको क्या, फोर कॉमा फोर, एक्स की वैल्यू फोर, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव फोर है यानी प्लस में, तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम स्केल से भी रख सकते हैं इसे, ताकि बिल्कुल फिगर इधर बने अच्छे से, ये हमने एक रख लिया। यहाँ देखिए फोर कहाँ है, वाई ऊपर फोर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, देख रहे हैं ये फोर है, ये फोर के सामने, तो ये क्या बना, ये कॉर्डिनेट हम इसको लिख ले रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं, यहाँ जाएगा कितना फोर कॉमा फोर, ये वाला जो पॉइंट है देखिए ये इसके सामने, ये यहाँ पे है, हम लिख लेंगे क्या फोर कॉमा फोर, ठीक, ये हो गया कितना फोर कॉमा फोर। और उसके बाद क्या है, फोर कॉमा फोर के बाद माइनस फोर कॉमा फोर, माइनस फोर एक्स की वैल्यू माइनस फोर, तो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे माइनस फोर, ये एक्स की वैल्यू माइनस फोर यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद फोर, फोर वाई की वैल्यू कितनी फोर, वो भी प्लस में, तो कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाइए, फोर कहाँ है, ये ऊपर है फोर आपका, यहाँ इसको मिटा दे रहे तो हो ही गया, इसको क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं, यहाँ फोर कहाँ है देखिए, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये आ गया फोर, इसको भी लिख दे रहे कितना गया माइनस फोर कॉमा फोर, इसको लिख दे रहे कितना माइनस फोर कॉमा फोर, ये आ गया। चलिए और उसके बाद देखते हैं फोर कॉमा माइनस फोर, फोर कॉमा माइनस फोर, एक्स की वैल्यू फोर, यहाँ पहुंचेगा माइनस फोर कहाँ जाएगा, वाई की वैल्यू माइनस फोर, निगेटिव पे नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे, माइनस फोर कहाँ, ये माइनस फोर यहाँ यहाँ लगा ले, ठीक है, ये लगा दिया माइनस फोर, देखिए ये पॉइंट आ गया ये, ठीक। तो ये क्या आया फोर कॉमा माइनस फोर, इसको लिख दे रहे हैं फोर कॉमा माइनस फोर। उसके बाद फिर लास्ट बचा है माइनस फोर कॉमा फोर, माइनस फोर कॉमा माइनस फोर, लास्ट क्या है कोऑर्डिनेट, माइनस फोर कॉमा माइनस फोर, माइनस फोर यहाँ आया,
x की वैल्यू माइनस फोर यहाँ और y की वैल्यू माइनस फोर, y की वैल्यू नेगेटिव है नीचे, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए और कहाँ ये है, ये आ गया ठीक है, ये ले ले, तो ये आ गई वैल्यू माइनस फोर कॉमा माइनस फोर ठीक। अब क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, देख लीजिए आप, ये एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट लास्ट में यहाँ है, देख रहे हैं, सबको क्या करना है ज्वाइन कर देना, इसके साथ क्या करेंगे सबको ज्वाइन कर देंगे, चलिए ज्वाइन करते हैं हम लोग, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ज्वाइन किया, इसके बाद इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे, देखिए ये यहाँ पे रहेगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये ठीक, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये, इसके बाद फिर यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, चलिए देखिए इसको ज्वाइन कर देंगे, ये है पॉइंट आपका, ये ज्वाइन कर दिया, इसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे, देखिए ये स्क्वायर बनाएंगे ना, ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सारी साइड क्या है इक्वल है, देखिए आपका एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का अगर नाम लिखना चाहते हैं आप, इसे नाम लिखना चाहे कुछ भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, अगर लिखना चाहे ए, इसको मान लीजिए बी, ए बी, ए सी और ये डी ठीक है, तो स्क्वायर ए बी सी डी बन गया, लिख सकते हैं स्क्वायर क्वाड्रेटल, ऐसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटल, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये ए बी सी डी बना है, ए बी सी डी क्या बना है, स्क्वायर बना है ठीक, कर लीजिए।